स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैकेरस आरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 135 बाइक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, NS सीरीज में काफ़ी सारी बजाज ने यहाँ पे बाइक लॉन्च कर दी है। अभी हाल ही में 3 मई को NS सीरीज में NS 400 CC यानी NS 400 में बाइक लॉन्च की है, जिसमें काफ़ी अच्छा फीचर्स और काफ़ी चीप प्राइस में इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बाइक को लॉन्च किया है। सिर्फ और सिर्फ 1,85,000 उसका एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि 400 CC की बाइक है। जी हाँ दोस्तों, 400 CC की बाइक और प्राइस कितना है, 1,85,000 एक्स शोरूम प्राइस। ऑन रोड लगभग जाएगी, वही मैक्सिमम जा सकती है 2,20,000 के आसपास में, यानी R15 के मुकाबले में प्राइस है। और R15 बाइक का इंजन सीसी क्या है, 155 CC, और NS 400 CC की जो बाइक है उसमें भाई आपको 400 CC का इंजन देखने को मिलता है। तो खैर यहाँ पे हम NS और R15 को कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन NS सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई बजाज पल अभी कितना फॉर्म में है। दिन ब दिन कुछ न कुछ बाइक लॉन्च कर रही है। अभी NS को लॉन्च किया है 400 CC में, आए दिन N250, N150, N160 यानी पल्सर नाम से भाई एक से बढ़कर एक बाइक लॉन्च करे जा रही है। देखिए बजाज पल्सर सीरीज में जैसे कि पल्सर 150 है, पल्सर 125 है, भाई पल्सर सीरीज में एक बाइक पहले थी जो कि 135 CC में पल्सर आती थी, जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में अचानक से गायब हो गई। तो अब बताया जा रहा है कि भाई NS सीरीज में 135 CC में उस बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में फिर से रीलॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि काफ़ी अच्छे फीचर्स और कहीं ना कहीं कमबैक करेगी 135 CC पल्सर। तो उसमें बेहतर फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि डिजिटल मीटर, LED हेडलाइट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ABS वगैरह, ये सारा फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। स्प्लिट में आपको सीट देखने को मिल जाएगा, लुक और डिज़ाइन काफ़ी इन्हेंस होगा, बैकलाइट वगैरह आपको यहाँ पे LED में देखने को मिलेगा। फ्रंट का जो लुक होगा बिल्कुल NS सीरीज में होगा, और बताया जा रहा है कि भाई सबसे अलग बाइक होगी, जैसे कि LED हेडलाइट। देखिए NS सीरीज में NS 400 में आपको सिर्फ LED हेडलाइट देखने को मिलता है, अब तो NS 160 और NS 200 में भी कंपनी ने अपडेट कर दिया है। तो भाई यहाँ पे बजाज कंपनी को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि भाई बजाज कंपनी भी फॉर्म में है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ बाइक लॉन्च भी कर रही है और अपनी बाइक पर अपडेट भी कर रही है, यानी अपनी बाइक को लेकर बजाज कंपनी यहाँ पे काफ़ी अपडेट में है। तो प्राइस वगैरह मैं आपको बता दूं, बाइक अगर लॉन्च होती है तो भाई उसका प्राइस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा वही 1,30,000 के आसपास में, पल्सर 135 CC आपको देखने को मिल जाएगा। माइलेज वगैरह मैं आपको बता दूं दोस्तों, माइलेज वगैरह यहाँ पे आपको 50 का माइलेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों लॉन्च डेट के बारे में, तो बताया जा रहा है अभी, देखिए लॉन्च डेट अभी फिलहाल बजाज की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई पल्सर 135 CC में लॉन्च हो, तो भाई प्लीज़ यार नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए, ताकि बजाज कंपनी को ये लगे कि नहीं, ऑडियंस का भी डिमांड है कि भाई बजाज पल्सर 135 CC यानी NS 135 CC इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हो। तो इससे ये होगा कि भाई कंपनी को पता चलेगा कि नहीं ऑडियंस का डिमांड है तो हम इस पर काम करेंगे, क्योंकि भाई जब जब ऑडियंस का डिमांड रहा तब तब बजाज कंपनी ने पूरा किया। 220F को बजाज ने बंद कर दिया था, ऑडियंस का डिमांड था कि भाई 220F को फिर से रीलॉन्च किया जाए, तो भाई फाइनली यहाँ पे बजाज कंपनी ने रीलॉन्च किया है। तो इससे आप लोग पता, मतलब इससे अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि भाई बजाज पल्सर अगर आप लोग कहोगे कि भाई NS 135 CC लॉन्च होना चाहिए, तो ज़रूर दो तीन महीने में यहाँ पे बजाज कंपनी लॉन्च करेगी। तो भाई कॉमेंट कीजिए कितने लोग कॉमेंट्स करते हैं।